टुमारो वार मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई है। ओवरऑल लेंथ है 2 घंटे 18 मिनट की और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और साले इस मूवी के लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस तरह की मूवी साईफाई मूवी मुझे बहुत पसंद है, और अगर उसमें क्रिस प्रैट हो तो यार वो मूवी तो भयंडी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, तो यार डैन यानी कि क्रिस प्रैट, इन्होंने पास्ट में कुछ जंगें लड़ी है इराक के खिलाफ, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये एक स्कूल टीचर है। डैन की एक अच्छी खासी फैमिली है, ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन डैन की अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब फ्यूचर से यानी कि 2051 से कुछ सोल्जर्स 2021 में यानी कि टाइम ट्रेवल करके पीछे आते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2051 में कुछ ऐसे एलियंस हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में तबाही मचा के रखी है और इंसानियत एकदम खत्म पे, समझे एकदम खत्म पे है। इसलिए वो लोग टाइम ट्रेवल करके पीछे आते थे कि यहाँ के कुछ लोगों को लेके जा सके जंग में लड़ने के लिए। अब यहाँ पर चाहे वो सोल्जर हो या वो आम सिविलियन हो, कोई भी जा सकता है, लेकिन वो जाने की शर्त क्या है वो तो आपको ये मूवी में ही देखने को मिलेगी। वो मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर स्पॉयलर्स के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद कैसे डैन, जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो भी जाता है उस फ्यूचर में उन एलियंस से लड़ने के लिए, तो अब डैन और उसके साथ जो दूसरे ह्यूमंस हैं वो लोग कैसे सामना करते हैं उन एलियंस का और हमारी दुनिया को किस तरह से बचाते हैं या नहीं बचाते हैं या जो भी करते हैं, भाई देख लो ना मूवी यार। खैर अगर मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करूँगा तो यार इस तरह की साईफाई मूवी देखने का जो मज़ा है वो थिएटर में आता है, अगर मूवी इतनी एंटरटेनिंग हो तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज एन इंडियंस थिएटर बंद है, और अच्छा है कोविड की वजह से यार काय को परेशान होना, तो घर बैठ के देखो तो अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन वो जो मज़ा है थिएटर का ना वो मज़ा यहाँ पर नहीं आता। लेकिन फिर भी मूवी एंटरटेनिंग है। फर्स्ट हाफ थोड़ा हड़बड़ी वाला लगता है, यानी कि बहुत ही रश लगता है, लेकिन उस फर्स्ट हाफ में यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्टर ने बहुत अच्छी की है कि डैन और उसकी बेटी मूरी के बीच का जो कनेक्शन है, जो एक इमोशनल टच है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से बताया, और डैन और उसके फादर के बीच के भी जो जो चीज़ें हैं, जो उतार चढ़ाव है जो भी है वो भी अच्छी तरह से बताया, जिस वजह से हमको सेकेंड हाफ में पता चलता है कि हाँ ये मूवी किस चीज़ से खेलना चाहती है और वो चीज़ आपको क्या हर एक इंसान को कनेक्ट कर सकती है। उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो बहुत अच्छी तरह से हर एक सीन को शूट किया, VFX बहुत अच्छे है और CGI भी कमाल का है, और विजुअली देखा जाए तो यार ये मूवी आउटस्टैंडिंग लगी, मतलब मुझे कहीं से भी बचकाना नहीं लगा। BGM बहुत अच्छा, इस तरह का BGM होता है तो वो गूज़बम्स आते हैं और वो गूज़बम्स आप लोग फील कर सकते हो। एक्शन सीन्स की बात करो तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, जो कि स्क्रीन पर देख कर मज़ा आ जाता है। अगर क्रिस प्रैट की बात करें तो भाई वो प्रूफ करते कि वो अपनी दम पर किसी मूवी को उठा सकते हैं, और उन्होंने इस मूवी में वही करके दिखाया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। ऑल दो ये मूवी में बहुत सारी ऐसी फॉल्ट है जो मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा JK सिमन्स, उन्होंने भी अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, और मैं चाहता हूँ कि JK सिमन्स हमें इस तरह के रोल्स में और भी नज़र आए, क्योंकि यार अब तक तो हमने उनको कुछ अलग ही रोल में देखा, जो आपको पता है वो मैं भी समझ गया होगा ना स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में देखा है तो, लेकिन जब हम लोग इस तरह की मूवी में देखो तो कुछ अलग एहसास होता है हमको, और ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा कैपेबल है इस तरह की मूवी में आने के लिए। तो यार आई होप के वो इस पर्टिकुलर मूवी के बाद इस तरह के रोल और करे। उसके अलावा जितने सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया है। उसके अलावा मूवी में आपको बहुत जगह पे कॉमेडी सीन्स भी डाले गए, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो कुछ अलग सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉमेडी देखने मिलेगी, जिससे आपका जो एक इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू मूवी में बना रहता है और थोड़ा बहुत रिलीफ भी आपको मिलता रहता है। तो उस मूवी में जो कॉमेडी डाली वो एक्चुअली मज़ा आता देखने के लिए। अगर बात करें इस मूवी की नेगेटिविटी की तो देखिए फर्स्ट हाफ में जो जो चीज़ें बताइए वो थोड़ा एकदम फास्ट बताइए, तो उससे ऑडियंस को थोड़ा एडजस्ट होने में डिफिकल्टी हो सकती है, यानी कुछ लोग चाहेंगे कि भाई नहीं वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बताता तो अच्छा रहता। सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, यानी कि हमको ऐसा लगता है कि यस अब ये होगा और एक्चुअली वो होता भी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। मूवी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2 घंटे 18 मिनट बताती है, लेकिन 2 घंटे 18 मिनट की नहीं है, 2 घंटे 9 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो लेंथ का मुझे कुछ इशू नहीं लगा। एडिटिंग भी मुझे ठीक ठाक लगी, हाँ डायरेक्शन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से एक ओके डायरेक्शन है, कि इस तरह की मूवी में ऐसा ही डायरेक्शन हो तो मज़ा आ जाता है। खैर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस ये मूवी आप अपने घर पर बैठ के देख सकते हो, इसमें अश्लील चीज़ कुछ नहीं अश्लील, लेकिन हाँ वायलेंस की चीज़ें जो ऑब्वियसली यार एलियंस है वो इंसानों को मार रहे, तो वो सारी चीज़ें हैं वो अगर आप लोग के घर में चलता है तो भाई देखो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, बिकॉज मूवी एंटरटेनिंग है, और फाइनली जो मूवी एंटरटेनिंग होती है तो वो एंटरटेनिंग ही होती है, क्योंकि ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए ही देखती है। तो बस मैं एंटरटेन हुआ, मुझे नहीं पता चला कि 2 घंटे 9 मिनट कहाँ ख़त्म हो गए, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो यार देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन माफ़ करो।